अरे उस आदमी ने हमको बताया जिसको हमने पकड़ा है, उसने कहा कि भाई ऐसा है जब गणेश उत्सव में लोग पूजा के लिए चले जाते थे तब वो उनके घरों में जाकर चोरी करता था, यही कोई 20-30 लाख रुपए चुराए हैं उसने। अरे गोबर बेटा, तुम ऐसा करो कि 2 लाख रुपए तुम भंगू को दिलवा दो, उसको जमा करने ऑफिस के पास ही है वो। अरे मिल जाएगा, परेशान मत होइए चाचा जी, बस थोड़ा सा कानूनी कार्रवाई पे थोड़ा समय लगेगा है, लेकिन पैसा मिल जाएगा। अच्छा ऐसा हम थाने चलते हैं, सुनिए झाड़ू साहब, हम कानूनी कार्रवाई करते हैं जाके थाने में, आपको जैसे ही समय मिले थाने आ जाइए, ठीक है? अच्छा सर, बहुत बड़ी भूल हो गई है। पापा जी आप गज्जू चाचा को फोन कर दीजिए, उनसे कह दीजिए कि यहाँ आ जाएं, हम उनसे माफी मांगते हैं। हाँ पापा जी, हमसे समझने में बहुत बड़ी भूल हो गई, गज्जू चाचा जब तक चाहे यहाँ पे रह सकते हैं। हाँ नहीं बहू बेटा, अब वो नहीं आएगा, अरे मैं उसे बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ, बहुत मानी है वो, जहाँ उसे सम्मान प्यार स्नेह न मिले न दिखे वो वहां नहीं जाता। सही कह रहे दादाजी आप, आवत की हर से नहीं नैनन नहीं इसने, तुलसी तहां न जाइए कंचन बरसे में है। बस गज्जू की जिंदगी की यही फिलॉसफी है, यही उसूल है जो एक दोहे के जरिए वो बबलू को समझा गया पढ़ा गया। इस दोहे का मतलब तो जानते हो ना, आपके आने से अगर किसी को हर्ष नहीं होता, उसकी आंखों में स्नेह नहीं है प्यार नहीं है, तो तुलसीदास जी कहते हैं कि ऐसी जगह पर जाना ही नहीं चाहिए, चाहे वहां पर सोने की बारिश क्यों ना हो रही हो। साधु साहब के यहां से पैसे लेकर आता हूं। माफ कर दो चाचा, अब मैं शू करूं?